सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना आवश्यक है। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पहले ही निर्णय सुना चुकी है और उसने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 ए को बरकरार रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र ने लगाई थी याचिका। बेंच ने यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को 2018 से 19 का इनकम टैक्स रिटर्न पैन और आधार को लिंक किए बिना फाइल करने की इजाजत दी थी। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया था कि यह मामला हमारी अदालत में लंबित है। इसके बाद हमारी अदालत ने यह तय किया कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139 ए को बरकरार रखा जाए। ऐसे में पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है। बेंच ने कहा, हमें बताया गया है कि 2018 से 19 के लिए याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर रिटर्न फाइल किया था और उनके रिटर्न का आकलन भी हो चुका है। ऐसे में अब हम यह साफ करना चाहते हैं कि 2019 से 20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न उन शर्तों के आधार पर ही फाइल किए जाएंगे जो हमारी अदालत ने तय की हैं। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया था कि आदेश के बावजूद और कई कोशिशें करने के बाद भी हम वे अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग के दौरान आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट नंबर उपलब्ध न कराने का विकल्प ही नहीं था। 26 सितंबर 2018 को बेंच ने दी थी आधार को संवैधानिक वैधता। 26 सितंबर 2018 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक और पर वैध करार दिया था, लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि बैंक खातों, मोबाइल फोन और एडमिशन के दौरान आधार नंबर देना जरूरी नहीं है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा था आईटी रिटर्न फाइल करने और पैन अलॉटमेंट के लिए आधार जरूरी रहेगा, लेकिन बैंक खातों से इसे लिंक करना जरूरी नहीं है। टेलीकॉम सर्विस प्रदाता आधार को मोबाइल से लिंक को आवश्यक नहीं कर सकते।